this curve should be the right specific shoulder se press karna aur isko ekdam aise down nahi karna yes wala jab fold karoge na to body ko bend nahi karna straight hai matlab ये थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए ताकि आपको फ्रेटबोर्ड दिखना चाहिए। अच्छा अभी गिटार में सिक्स स्ट्रिंग है तो इसका फर्स्ट स्ट्रिंग कौन सा नीचे से ये होता है दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अभी फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम है ई सेकंड स्ट्रिंग का नाम है बी थर्ड स्ट्रिंग का नाम है जी फोर्थ स्ट्रिंग का नाम है डी ई बी जी डी ए ई अभी फर्स्ट स्ट्रिंग और लास्ट स्ट्रिंग ई है ना क्यों ई है ये तीन स्ट्रिंग है इसको बोलते हैं दिस कॉल्ड ट्रिपल और तीन स्ट्रिंग का नाम है बास तो कॉन्सेप्ट मैंने कहा ट्रिपल एंड बास मिक्स मैंने इट्स अ कॉम्बिनेशन अच्छा ये जो स्पेस है ना इसको बोलते हैं फ्रेट ये फ्रेट के अंदर ही म्यूजिक है फर्स्ट फ्रेट सेकंड फ्रेट थर्ड फ्रेट म्यूजिक होता है अभी यहाँ पर ये जो फ्रेट है थोड़े ब्रॉड है बीच में मिडिल में थोड़े नैरो होते जाए और यहाँ पर थर्ड में ना नैरो उसमें ना तीन लेवल है फर्स्ट ऑक्टेव सेकेंड ऑक्टेव थर्ड ऑक्टेव इसमें थोड़ा बास ज़्यादा है इसमें बास कम है इसमें बास ज़्यादा है ठीक है अच्छा अभी गाना सुनते हो ना गाना सुनते हो तो सबसे पहले चीज़ उसमें क्या देखते हो कि गाना कैसा है कभी देखा है अच्छा गाने को बनाते कैसे हाउ टू मेक अ सॉन्ग हाउ टू फील द मेलोडी हाउ टू प्ले द रिदम ये तीन स्टेप इम्पॉर्टेंट है पहला होता है गाने को बनाते स्केल स्केल के अंदर म्यूजिकल नोट्स होते हैं और उसके दो टाइप होते हैं मेजर एंड माइनर और वो जो मेजर है मेजर का मतलब होता है स्वीट माइनर का मतलब होता है सैड ठीक है अभी मेजर माइनर में गाना बन गया है तो अभी उसका मेलोडी फ्लो करेंगे थ्रू द कॉर्ड्स तो अगर सी मेजर में गाना बना तो फर्स्ट कॉर्ड विल बी सी फिर उसका फैमिली बनेगा ठीक है फिर थर्ड स्टेप में होता है रिदम तो रिदम का काउंटिंग कितना होता है फोर ही होता है अपने पास फोर फिंगर है ना दिस इज योर फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर थंब से ना बैलेंस मेंटेन करना ठीक है बाद में हम लोग क्या करेंगे थर्ड फ्रेट थर्ड जो अपना जो स्टेप है ना रिदम का तो थर्ड प्रिंसिपल जो थिंग है उसे अपने को चालू करना है तो सबसे पहले क्या करना है थंब से बैलेंस मेंटेन करना है और फोर बीट प्ले करने का ओके नाउ रेस्ट योर पाम ऑन द ब्रिज यहाँ पर अपना पाम रेस्ट ना इसके ऊपर करने का और फोर काउंट बजाने का क्योंकि गाने में फोर काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको ऐसे रखो यहाँ पर ब्रिज के ऊपर और फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग ठीक है रेस्ट योर पाम हाउ टू राइट योर हाउ कैसे लिखते हैं राइटिंग रेस्ट योर पाम देन यू राइट ना तो स्पीड आएगा अगर ऐसे उठाएंगे तो राइटिंग नहीं होता अगर नेल्स कट कर देना ठीक है तो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग ओके देन वन फोर बीट करना वन टू थ्री फोर फर्स्ट डाउन स्ट्रोक सेकेंड अप स्ट्रोक थर्ड डाउन स्ट्रोक फोर्थ अप स्ट्रोक ओके अप एंड डाउन स्ट्रोक होना चाहिए लेफ्ट राइट वन टू थ्री फोर स्टार्ट विथ योर फर्स्ट फिंगर वन टू थ्री फोर देन फिफ्थ स्ट्रिंग वन टू थ्री फोर 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 देन रिवर्स बीट में फर्स्ट यू टू सेट योर फिंगर एंड सेट द स्ट्रोक ओके फोर बीट का बस ये वो प्रैक्टिस करने का ठीक है सो इतना प्रैक्टिस करो ओके फिंगर पहुंचेगी तुमने फिंगर और ऊपर तक ले गया बेंड योर फिंगर फिंगर शुड बी वर्टिकल एंड डोंट कीप योर फिंगर लाइक दिस शुड बी सी वर्टिकल डोंट कीप यू बेंडिंग ओके तो बेंड किया तो अपना स्ट्रिंग हो जाता है दूसरे स्ट्रिंग में टच होता है तो तुम्हारे नेल्स से स्कैन नहीं होगा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ठीक है इतना ही करने का पहले इसको सेटिंग करो क्योंकि
फिंगर और स्ट्रोक एकदम थॉर होना चाहिए, कोई भी फिंगर में ऐसा म्यूट साउंड नहीं आना चाहिए। ओके, साउंड शुड बी क्लियर। 1 2 3 4 1 2 3 4 हम लोग का पहले लेसन है, सबको प्रैक्टिस करने का है, जो भी देखने वाले हैं सब लोग प्रैक्टिस करने का। 4 बीट इतना प्रैक्टिस करना, इज द फर्स्ट लेसन है ना।